नमस्कार, अर्बन टेल के इस ब्लॉग संस्करण में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ बिबी सिंह सरवान और आज का ये ब्लॉग संस्करण कुछ मायनों में खास होने जा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉग संस्करण डेडिकेटेड है, समर्पित है उस ऐतिहासिक जीत के लिए, उस मील पत्थर के लिए जो कि मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब ने बीते शनिवार, जी हाँ, 22 जुलाई 2023 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में गोथिया कप 2023 के अंतर्गत खेले गए एक अंतिम बहुत ही रोमांचपूर्ण फुटबॉल मैच में, जो कि 13 साल से कम आयु वर्ग के लड़कों के बीच में खेला गया था, उसमें उन्होंने ब्राजील जैसी सशक्त टीम को 3-1 से पराजित कर पहली बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया मील पत्थर स्थापित किया है और ये बहुत मानों में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और पूरे राष्ट्र के लिए एक सम्मान और एक गर्व का विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब बात करते हैं गोथिया कप 2023 इवेंट के बारे में। हमें से बहुत से लोगों ने इस देश में शायद इससे पहले इस इवेंट के बारे में शायद सुना भी ना होगा, क्योंकि हमारे देश में ये इसमें कोई संदेह नहीं कि फुटबॉल कभी प्रचलन में नहीं रहा है, इसे यहाँ पर इतनी लोकप्रियता कभी नहीं मिली है। जैसे कि यहाँ के समूचे राष्ट्र में, हमारे देश में जो बुखार क्रिकेट के प्रति है, वैसा सम्मान, वैसी लोकप्रियता, वैसा रुझान लगभग फुटबॉल के मामले तो ये कहीं भी नहीं था। हाँ, पिछले 2-3 साल या 3-4 साल को छोड़कर, तो शायद ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस आयोजन के बारे में इससे पहले नहीं सुना। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की इस गोथिया कप 2023 में जो इसने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब ने, ये इतनी ऐतिहासिक, इतना मील का पत्थर क्यों है। तो पहले तो गोथिया कप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गोथिया कप एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बीके हैगन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय युवा एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो 1975 से स्वीडन के गोथेनबर्ग में हर साल आयोजित किया जाता है। भाग लेने वाली टीमों के मामले इसे दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। दुनिया भर से प्रतिस्पर्धी युवा टीमें प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। गोथिया कप स्वीडन का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। एक सप्ताह तक चलने वाला गोथिया कप एक युवा एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो हर साल स्वीडन के गोथेनबर्ग में आयोजित किया जाता है, जो 11 से 18 वर्ष की उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए खुला है। प्रतियोगियों के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें केवल नॉर्वे कप ही इससे बड़ा है। गोथिया कप की शुरुआत 1975 में लगभग 275 टीमों के भाग लेने के साथ हुई थी। प्रत्येक वर्ष जुलाई में ये आयोजन गोथेनबर्ग में प्रमुख कार्यक्रम बन जाता है। इस वर्ष गोथिया कप 2023 में लगभग 69 विभिन्न देशों की कुल 1878 टीमों ने भाग लिया। स्वीडन के गोथेनबर्ग में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित 7 दिनों के आयोजन के दौरान लगभग 4770 मैच खेले गए। भारत की ओर से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया था और यहाँ से आप इस इवेंट की, टूर्नामेंट की भव्यता और किस स्तर पर खेला जाता का अनुमान लगा सकते हैं। We'll be right back.
colors of India. Enjoying a lot. Very, very good team. We're proud to be here as an Indian. किसी भी टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मार्गदर्शन कैसा है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है, उसके पीछे वो मोटिवेशनल पावर क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रंजीत बजाज की। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि कैसे इस अंतिम रोमांचक मुकाबले में जैसे ही इस मैच का पहला गोल उनके टीम प्लेयर ने किया तो कह लीजिए अंतरंगता के साथ, किस उत्साह के साथ वो आगे बढ़कर अपने अपने टीम मेंबर्स का उत्साह वर्धन कर रहे थे, उन्हें और मोटिवेट कर रहे थे। और कैसे उस प्लेयर का जिसने इस अंतिम मुकाबले में ब्राजील के खिलाफ पहला गोल दागा, कैसे उन्होंने उस प्लेयर के पैर को चूम लिया, यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि खेल के प्रति उनकी जो डेडिकेशन है, समर्पण की भावना है, वो किस तरह की है। सचमुच इस तरह तक किसी भी टीम को पहुंचाने के लिए एक पागलपन और एक जुनून और बहुत सारी उन चीजों की जरूरत होती है जो के जिनके बारे में आज से 3-4 साल पहले इस देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आइए अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक जीत की जिसने मिनर्वा कार्निवल फुटबॉल क्लब ने
गोथनबर्ग में के एसकेएफ एरिना में ब्राजील चैलेंजर्स और इन एफसी को 3-1 हराकर अंडर 13 गोथिया कप 9-a-side का एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला जीता। मोहाली स्थित क्लब गोथिया कप जीतने वाला चित्रगांव शायद देश का पहला क्लब है जिसे फुटबॉल कम्युनिटी में युवा विश्व कप भी कहा जाता है। जैसे ही इस फाइनल मैच की शुरुआत हुई, सिटी के बस्ते ही मिनर्वा के खिलाड़ी जोश में थे क्योंकि उन्होंने पहले ही मिनट में सफलता प्राप्त कर ली थी। टिकर मॉरिसियो जो कि ब्राजील के खिलाड़ी थे, उन्होंने 15वें मिनट में टीम को कुछ राहत दी और इस अंतर को एक मुकाबले दो करने में सफल रहे। हालांकि थियाम फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने 23 मिनट में अपना दूसरा गोल किया। मिनरों के दाएं विंगर द्वारा गोल के ठीक ऊपर एक बेहतरीन पास किया गया जिसमें थियाम को कोई, चूंकि उन्हें कोई मार्क नहीं कर रहा था, स्ट्राइकर ने कोई गलती नहीं की और हार्ड हिट शॉट से आर्डेन के गोलकीपर को छकाते हुए बॉल को गोल पोस्ट के अंदर किया। इससे पहले टीम ने स्वीडिश टीम ऑनर रेडस आई की हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी। मैच की शुरुआत बेहद रोमांचकारी थी, प्रतिस्पर्धी रही। दोनों टीमों ने मैदान पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक मैच स्कोरबोर्ड पर 3-1 एक एक कड़ी स्कोर लाइन दिखाई दे रही थी। पूरे टूर्नामेंट में मिनर्वा ने 2 गोल खाए और 34 गोल किए। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में मिनर्वा अकेडमी एफसी ने स्वीडन के एफसी वैल्यू 1 पर 3-0 से जीत हासिल करी। मिनर्वा अकेडमी एफसी ने गोथिया कप V13 की जीत के साथ ही इतिहास रचा। खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली टीम बन गई। भारतीय टीम ने शनिवार को टूर्नामेंट के फाइनल में ब्राजील की टीम आर्डिन एफसी को 3-1 एक गोल की अंतर से एक शानदार जीत हासिल की और एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया। भारत की मिनर्वा अकेडमी एफसी ने इतिहास रचा जब वह स्वीडन में प्रतिष्ठित गोथिया कप जीतने वाली महाद्वीप देश की पहली टीम बन गई। गोथिया कप एक अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन के गोथेनबर्ग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑलस वेस्टर्न क्लब बीके हैकन के अंतर्गत उसके तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। भारतीय टीम ने शनिवार को टूर्नामेंट के फाइनल में ब्राजील टीम ऑर्डिन एफसी पर 3-1 से के अंतर से जीत के साथ इस शानदार प्रतियोगिता के B13 वर्ग में एक बहुत ही रोमांचकारी और एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
और इसके साथ ही इस ब्लॉग संस्करण को समाप्त करने की मुझे आगे दीजिए, और आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग संस्करण आपको पसंद आया होगा। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं इस ब्लॉग के, अभी ये ब्लॉग जस्ट अपने शुरुआती चरण में है, तो मगर फिर भी जो इस ब्लॉग के सब्सक्राइबर हैं और जो इस ब्लॉग के दर्शक हैं, उनका अनुपात में बहुत सारा अंतर है। मात्र 3% व्यूअर दर्शक हमारे सब्सक्राइब, मात्र 3% दर्शक जो के मेरे इस छोटे से ब्लॉग को देखते हैं, उसके मात्र केवल 3% सब्सक्राइबर। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एक छोटा सा प्रयास है और एक अपने शुरुआती दौर पर है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।